चलिए शुरू किया जाए, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग बेंजोनॉइड का देखा गया था ना, लास्ट क्वेश्चन वही था, है कि नहीं। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, देखेंगे ये क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो चैन आइसोमरिज्म पोजीशन आइसोमरिज्म। हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म और चैन आइसोमरिज्म। तो हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम आर रिक्वायर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो चैन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म। मान लो चैन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म को शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। ऐसा टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्या आप समझ पा रहे होंगे। मतलब अगर मान लो चैन आइसोमरिज्म शो करना है तो मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए, पोजीशन आइसोमरिज्म शो करना है तो मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा भाई देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन क्या है बताइए। हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो चैन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म। तो देखिए जब भी बात करा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसकी बात किया जाए भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं भाई, देखिए जब भी बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो इसमें जो आ जाएगा वो हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे, या तो हमारा क्या हो जाता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है भाई ध्यान दीजिएगा, जब भी बात किया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो जाएगा, या तो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा या तो हाइड्रोकार्बन का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बताइए, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ऐसे टाइप के कंपाउंड को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अगर मान लो यहां में कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, हेलोजन आ गया, तो ये सारे क्या कहला जाएंगे, क्या कहलाएंगे, कार्बन हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहलाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अच्छा बताइए एक्स का मतलब क्या होता है, बताइए एक्स का मतलब हेलोजन होता है, वो क्या हो सकता है बताइए, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा, एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो आपको याद करना है कि अगर मान लो ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, कार्बन हाइड्रोजन के साथ में नाइट्रोजन आ गया, कार्बन हाइड्रोजन के साथ में क्लोरीन आ गया, तो उसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोला जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो जाएगा। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना, तो जब भी क्वेश्चन में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है तो आपको दोनों सोचना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन भी सोचना पड़ेगा और हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव भी सोचना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ हाइड्रोकार्बन बोल देगा तो आपका क्वेश्चन एल्केन एल्कीन एल्काइन से हो जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देगा तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव भी सोचना होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए मिनिमम कितने कार्बन होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जो हमारा क्या होगा भाई, पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेगा। अच्छा बताइए पोजीशन आइसोमर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिए हाइड्रोकार्बन भी आ सकते हैं, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव भी आ सकता है। अगर हमारा आंसर हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव से मिनिमम मिल रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर हाइड्रोकार्बन मान लो यहां में चार कार्बन है जो हमारे क्या कर रहे हैं भाई, पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, और यहां में दो ही कार्बन है जो पोजीशन आइसोमरिज्म को शो कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, मतलब जहां से आंसर मिनिमम मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आप सोच के देखिए, अगर हम बात करें भाई पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए, अगर हम एल्केन में बात करें, हाइड्रोकार्बन में बात करें, बताइए क्या यहाँ में कार्बन कितना है भाई, चार, और बताइए यहाँ में कितने कार्बन है, तीन। क्या ये बताओ ये दोनों का कौन सा आइसोमरिज्म है, चैन आइसोमरिज्म या पोजीशन आइसोमरिज्म, चैन आइसोमरिज्म या पोजीशन आइसोमरिज्म, तो आप बोलेंगे चैन आइसोमरिज्म। तो बताइए चैन आइसोमरिज्म के लिए हाइड्रोकार्बन में मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए, चार होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था भाई, चार।
अब सोचो भाई पोजीशन के लिए अगर बात करा जाए, किसके लिए? पोजीशन के लिए। बताओ एक कार्बन का पोजीशन आइसोमेरिज्म बन सकता है? नहीं। क्या दो कार्बन का पोजीशन आइसोमेरिज्म बन सकता है? नहीं। अगर मान लो ये तीन कार्बन है और इनका पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाना है तो बन सकता है क्या? नहीं बन सकते। मान लो आपने डबल बॉन्ड यहां पे लगा दिया, आपने यहां में डबल बॉन्ड लगाया, बताओ सेम सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है? सेम सेम है, तो क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म बन सकते हैं क्या? अरे भाई नहीं बन सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बन चार है और आपने एक बार यहां में डबल बॉन्ड लगाया, आपने एक बार यहां में डबल बॉन्ड लगाया, बताओ क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है कि नहीं है? है? तो बताइए अगर हाइड्रोकार्बन की बात करा जाए तो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए? चार। लेकिन अगर हम हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव की बात करें, अरे भाई हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव की बात करें, जैसे मान लो यहां में लिखा है BrBr, क्या लिखा है बोलिए? BrBr, और ये लिखा है CH2Br CH2Br। आप मुझे बताइए क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमेरिज्म है कि नहीं है? अरे भाई इसका पीसीसी में भी कितने कार्बन है? दो। और इसका भी पीसीसी में कितने कार्बन है? दो। दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, यहां में पोजीशन एक एक में लगा है, यहां में 1-2 में लगा है, तो बताइए क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है कि नहीं है? आवाज नहीं आया, पोजीशन आइसोमेरिज्म है कि नहीं है? है। आप मुझे बताइए लेकिन इसमें मिनिमम कार्बन दो, तो आंसर क्या हो जाता? दो, क्योंकि यहां में दो कार्बन में मिनिमम पोजीशन आइसोमेरिज्म हो रही है, यहां में चार में हो रही है। कब ऐसा करना है? जब क्वेश्चन में क्या मेंशन होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या मेंशन होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा मिनिमम कितने कार्बन होंगे, मिनिमम कितने हाइड्रोकार्बन होंगे जो हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो आंसर इज 4। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा मिनिमम कितना कार्बन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अगर मान लीजिए मिनिमम कितने कार्बन होंगे, समझ पा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिनिमम कितना कार्बन होगा जो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आंसर इज 2। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा तो आपको दोनों कंपाउंड के बारे में ध्यान देना है, एक तो हाइड्रोकार्बन को भी देखना पड़ेगा और हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव को भी देखना है, और जहां से आंसर मिनिमम आएगा वही हमारा आंसर होगा। अरे भाई नहीं समझे क्या आप लोग? बहुत अच्छी बात है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा नोट करेंगे। अभी देखो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, FCL को कैसे याद कर सकते हैं? फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, ऐसे याद कर सकते हैं ना FCLBRI को। कॉपी हो चुका है क्या आप लोगों का? ठीक है, तो कॉपी हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए भाई। देखिए बात हो रही है मिनिमम की, ठीक है, तो लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड ऑफ एन एल्केन टू सो CI बोले तो चैन आइसोमेरिज्म, तो सो चैन आइसोमेरिज्म। क्या बोला है? एल्केन का मिनिमम कितना कार्बन होगा, मतलब एल्केन को क्या शो करना है भाई? चैन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन होंगे कि वो चैन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? अब मुझे बताइए क्या बोला है एल्केन? बोला है मतलब ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन से सोचा जाएगा, ना कि हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव से। तो आप मुझे बताइए अगर कार्बन एक है तो क्या इसका कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं? नहीं। अगर कार्बन दो है तो क्या उसका कोई स्ट्रक्चर बन सकता है? नहीं। अगर कार्बन तीन है और आपने इसको ऐसा लिखा, बताओ सेम सेम है क्या? सेम सेम है, तो ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं बन सकते हैं। और चेन आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं भाई बताइए? अगर मान लो कार्बन चार है और यहां में आपने क्या कर दिया, कार्बन को चार कर दिया, बताओ यहां में पीसीसी में भी चार कार्बन है और इसी में पीसीसी में तीन कार्बन है, तो बताइए ये चेन आइसोमेरिज्म है कि नहीं है? तो चेन आइसोमेरिज्म को होने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है? चार। तो आंसर क्या हो जाएगा? चार कार्बन चाहिए, मिनिमम चार कार्बन चाहिए, तो वो एल्केन हमारा चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अरे भाई चेन में क्या होता था? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, पीसीसी में कार्बन डिफरेंट हो जाए तो नाम क्या हो जाएगा? चैन आइसोमेरिज्म। याद आ रहा है ना? पीसीसी में या साइड ब्रांच में कार्बन क्या हो जाए? कार्बन डिफरेंट हो जाए तो नाम क्या हो जाएगा? चैन आइसोमेरिज्म। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है।
तो चैन आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4 कार्बन चाहिए। किसके लिए भाई? एल्केन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आर रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आर रिक्वायर्ड ऑफ एन एल्कीन टू सो जीआई। क्या हो जाएगा आंसर? मतलब एल्कीन के लिए भाई कितना आपको मिनिमम कार्बन चाहिए कि वो चैन आइसोमरिज्म शो करेगा? एल्कीन बोला है मतलब सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात करा जाएगा, तो आंसर तो क्या ही हो जाएगा बताइए? 4 ही हो जाएगा। बताओ एल्कीन बनाने के लिए तो मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, और 2 कार्बन का तो चैन आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास 3 कार्बन है, आपने एक डबल बॉन्ड यहां में लगा दिया, दूसरा बार आपने ऐसे कर दिया, तो दोनों क्या हो चुका है? सेम हो चुका है। तो चैन आइसोमरिज्म 3 कार्बन का एल्कीन से नहीं बन सकता है। अगर आपने 4 कार्बन ऐसा लिख दिया भाई और दूसरा आपने यहां में कर दिया, बताओ ये चैन आइसोमरिज्म है कि नहीं है? इसका पीसीसी में कितना कार्बन है? 4, और इसका पीसीसी में कितना कार्बन है? 3। तो बताइए ये दोनों चैन आइसोमरिज्म है कि नहीं है? तो मिनिमम कितना कार्बन है? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? हो गया ना कॉपी भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू सो पी आई बोले तो पोजीशन आइसोमर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिनिमम कितना कार्बन चाहिए कि वो पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेगा? तो आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या बोला गया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोला गया है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे भाई जब भी बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी बोला जाएगा तो आपका दिमाग में क्या भी आएगा? हाइड्रोकार्बन आएंगे और क्या भी आएंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव भी आएंगे। क्या समझ पा रहे हैं? तो आप बताइए अगर हम बात करें कौन सा आइसोमरिज्म शो करना है? पोजीशन। क्या शो करना है भाई? पोजीशन। आप मुझे बताइए अगर हाइड्रोकार्बन में देखें, एल्केन एल्कीन एल्काइन में देख सकते हैं, बताओ अगर कार्बन एक है तो क्या उसका कोई पोजीशन आइसोमरिज्म बन सकता है क्या? नहीं। क्या अगर कार्बन 2 है तो क्या उसका पोजीशन आइसोमरिज्म बन सकता है क्या? नहीं। कार्बन 3 है तो कुछ अलग उसका स्ट्रक्चर पोजीशन बन सकता है क्या? नहीं। तो पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं बन सकते हैं। बताइए अगर मान लो यहां में तुमने डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर डबल बॉन्ड तो सेमी होगा। अगर आपने यहां में डबल बॉन्ड लगा दिया, आप मुझे बताइए यहां में क्या बता सकते हैं क्या पोजीशन? नहीं बना सकते हैं। अब बताइए अगर कार्बन 4 है, आपने डबल बॉन्ड एक बार यहां में लगा दिया, दूसरा बार आपने डबल बॉन्ड यहां में लगा दिया, क्या ये पोजीशन आइसोमरिज्म है कि नहीं है? तो बताइए पोजीशन आइसोमरिज्म होने के लिए हाइड्रोकार्बन में मिनिमम कितना कार्बन चाहिए? 4। क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन आपको क्या केवल हाइड्रोकार्बन का देखना है क्या? नहीं भाई, हाइड्रोजन कार्बन का डेरिवेटिव को भी देखना पड़ेगा। दोनों में से जो आंसर मिनिमम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो बताइए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोले तो उस कार्बन हाइड्रोजन के साथ में क्या क्या जुड़ा हो सकता है? अरे भाई क्या क्या जुड़ा हो सकता है? ऑक्सीजन जुड़ सकता है, नाइट्रोजन जुड़ सकता है, सल्फर जुड़ सकता है और हैलोजन जुड़ सकता है। तो आप बताइए आप क्या करेंगे भाई? 2 कार्बन लिखिए और एक कार्बन पे 2 सीएल लगा दीजिए, दूसरा कार्बन 2 कार्बन लिखिए और अगल बगल लगा दीजिए, तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो बताइए इसमें मिनिमम कितना कार्बन आ रहा था? 2, और इसमें मिनिमम कितना कार्बन आ रहा था? 4। तो दोनों का कंबाइन आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। तो इसलिए भाई जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाए तो दोनों ध्यान देना है, हाइड्रोकार्बन को भी देखना है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव को भी देखना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, कॉपी हो चुका है क्या भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमरिज्म। क्या पढ़ेंगे भाई? स्टीरियो आइसोमरिज्म।
देखिए भाई स्टीरियो थोड़ा आप रिस्पॉन्स करना है, एक्टिव हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कब स्टीरियो आइसोमेरिज्म खत्म हो जाता है, तो बोल पे ध्यान दीजिएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बताइए, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाना, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या डिफरेंट होना चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D स्पेस। क्या समझ पा रहे हैं भाई, क्या होना चाहिए, डिफरेंट अरेंजमेंट होना चाहिए, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल इन 3D क्या हो जाना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो नाम क्या हो जाता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है। एक का नाम क्या होता है, कन्फर्मेशनल। क्या नाम होता है, कन्फर्मेशन। और दूसरा क्या होता है, कन्फिग्रेशन होता है ना भाई। एक का नाम क्या होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल होता है। और दूसरा का नाम क्या होता है, कन्फिग्रेशन होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं, तो यहां देखो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि कन्फर्मेशन क्या है और कन्फिग्रेशन क्या है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना, तो ऐसे आइसोमेरिज्म, ध्यान से सुनिए, ऐसे आइसोमेरिज्म जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है भाई, रोटेशन के जब भी बॉन्ड का रोटेशन, जब रोटेशन होता है, रोटेशन अराइज होता है, उसका वजह से बॉन्ड क्या हो जाता है भाई, चेंज हो जाता है। मतलब रोटेशन का अराइज होने से जो आइसोमेरिज्म बनता है उसका नाम क्या है, कन्फर्मेशनल। क्या नाम होता है, कन्फर्मेशनल। ऐसे आइसोमेरिज्म जो रोटेशन से अराइज होते हैं, ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन। क्या आप समझ पा रहे हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जैसे भाई, जैसे मैं मान लो यहां पर खड़ा हूं, अब मैंने अपना जैसे अब मैं यहां में हूं, मैंने अपना पोजीशन चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया, क्या बताओ मैंने रोटेट किया कि नहीं किया, क्या मेरा स्ट्रक्चर दूसरा बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अगर मान लो मैं खड़ा हूं, मैंने हाथ को ऐसे कर दिया, बताओ क्या मैंने अपना रोटेशन को चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया। तो ऐसे आइसोमेरिज्म जो रोटेशन से अराइज होते हैं, ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या बोला जाता है, अरे भाई क्या बोला जाता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोला जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं, जैसे आपके घर में बोल रहे पेरेंट्स पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स एक दबा के दिए, फिर आप हाथ ऐसे करने लगे, बताओ क्या आपने उसका क्या चेंज कर दिया भाई, रोटेशन चेंज कर दिए। तो उससे सो आइसोमेरिज्म अराइज होगा, उसका क्या नाम होगा, कन्फर्मेशन। क्या होगा भाई, कन्फर्मेशन। पहले दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कन्फर्मेशन क्या है, कन्फिग्रेशन क्या है। अरे भाई जैसे मान लो, जैसे आप देख रहे थे मार्केट में एक कुत्ता था भाई, वो आराम से चल रहा था, क्या कर रहा था, चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, और आपने क्या कर दिया, एक पत्थर से मार दिया। क्या कर दिया भाई, पत्थर से मार दिया। तो बताओ कुत्ता भागेगा कि नहीं भागेगा, जब कुत्ता दौड़ रहा है तो उसकी क्या चेंज हो रही है बताइए, रोटेशन चेंज हो रही है। कौन सा टाइप आइसोमेरिज्म हो जाएगा, रोटेशनल आइसोमेरिज्म। क्या हो जाएगा बोलिए, रोटेशन आइसोमेरिज्म। क्या समझ पा रहे हैं, जैसे आपको एकदम दिमाग आपका खराब हो गया, किसी का आपने कान निकाल दिया, उल्टा लगा दिया, तो क्या हो गया, क्या चेंज हो गया भाई, उसका कन्फिग्रेशन को ही आपने चेंज कर दिया, तो नाम क्या हो जाएगा, कन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म। क्या समझ पा रहे हैं, अरे भाई समझ पा रहे हैं। अच्छा बताओ बिल्ली का डांस करना क्या हो जाएगा, कन्फर्मेशन या कन्फिग्रेशन। अरे भाई जो डांस करेगा तो क्या चेंज करेगा भाई, रोटेशन करेगा, रोटेशन करेगा, तो कौन सा टाइप आइसोमेरिज्म, कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन या कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, और आपने क्या करा भाई, अच्छा मैं बोलूं, मान लो तुम्हारा मान लो दिमाग खराब हुआ, पैर के जगह में हाथ, हाथ के जगह में पैर लगा दिया, कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म, नहीं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन लिखाया गया था, क्या ये लिखने से काम चलेगा, ऐसे लिखेंगे, दोस कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इन 3D स्पेस इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या आप समझ पा रहे हैं, चलिए उसके बाद हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर कितना प्रकार का होगा बोलिए, दो प्रकार। एक का नाम क्या होता है, कन्फर्मेशनल। क्या नाम होता है, कन्फर्मेशनल। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसे आइसोमेरिज्म जो फ्री रोटेशन से अराइज होते हैं, ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल। क्या वो जो फ्री रोटेशन के लिए एनर्जी हमारी क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है, उसका नाम क्या होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या, तो लिखिए कन्फर्मेशनल। क्या लिखेंगे भाई, कन्फर्मेशनल। तो लिखिए दोज आइसोमर्स विच आर अराइजेज ड्यू टू
those isomers which are arises due to free rotation, which are arises due to free rotation, those isomerism which are arises due to free rotation, known as conformational isomerism. And energy required for this rotation is available at room temperature. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, दे आर ऑल्सो नोन एज रोटामर्स, ROTAMERS, रोटामर्स। क्या समझ पा रहे हैं ना, इसका नाम क्या भी होता है, रोटामर्स होता है। और कितनी एनर्जी चाहिए होती है भाई रोटेशन करने के लिए, 3 to 5 चाहिए। ये देखिए, जो कार्बन कार्बन का जो ये बॉन्ड है ना, ये एल्केन है, ये जो इसका अराउंड ये फ्री रोटेशन है, ये बॉन्ड आराम से क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। और जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है, और वो एनर्जी कितनी होती है, 3 to 5 किलो कैलोरी पर मोल। तो आप लिख लीजिए, ये कौन सा प्रोजेक्शन है भाई, सावर्स प्रोजेक्शन है। ये कौन सा प्रोजेक्शन है, न्यूमन प्रोजेक्शन है। और ये कौन सा प्रोजेक्शन है, फीसर प्रोजेक्शन। समझ पा रहे हैं ना, स्ट्रक्चर देखिए आपको पता करना है। अच्छा बताइए, यहाँ में जो डॉट वाला कार्बन होता है, ये जो डॉट वाला है, डॉट जो लिखा गया है, वो कौन सा वाला कार्बन है, फ्रंट कार्बन है। और जो राउंड किया गया है ऐसा, वो कौन सा कार्बन है, ऐसे जो राउंड है वो कौन सा वाला कार्बन है, बैक कार्बन है। कॉपी हो चुका होगा ना, ठीक है। तो ये सावर्स, न्यूमैन और फिशर प्रोजेक्शन है, ये 3 साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उन्होंने केवल फोटो अलग अलग डायरेक्शन से खींचा था, फोटो नहीं, आप समझ सकते हैं, ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें, ये मैं अलग अलग करके बनाया था ताकि आपको समझ में आ रहा होगा। न्यूमैन प्रोजेक्शन में फ्रंट वाला कार्बन है, और जो राउंड वाला है वो बैक कार्बन है। जब दोनों को कंबाइन कराएंगे तो ऐसा ही स्ट्रक्चर आपने बनाया था, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये फ्रंट वाला कार्बन से ऐसे दिखाई देगा, और इसका जस्ट पीछे वाला ये होगा, इसमें बताओ ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का बीच में रिपल्सन होता है, तो डायहेड्रल एंगल 0 हो जाता है। तो यहाँ हम लोग एक थीटा बोलते हैं, और थीटा का नाम क्या होता है, डायहेड्रल एंगल। तो जब भी आप रोटेशन करते हैं तो बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है, डायहेड्रल एंगल। समझ पा रहे हैं ना, डायहेड्रल एंगल चेंज होता है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें भाई, तो टोर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, इसके टोर्सनल स्ट्रेन की बात करें, इसको शॉर्ट में हम TS लिख दिया करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। टोर्सनल स्ट्रेन क्या है, लिख लीजिएगा, लिखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन एटम, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन एटम एंड बैक कार्बन हाइड्रोजन एटम are known as torsional strain। क्या कुछ समझ पा रहे होंगे भाई, भाई टोर्सनल स्ट्रेन क्या है, यही ना बोला गया है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन। देखो, आगे वाला कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और पीछे वाला कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, उसी को क्या बोला जाता है, टोर्सनल स्ट्रेन बोला जाता है। क्या समझ पा रहे होंगे, टोर्सनल स्ट्रेन बोला जाता है।
अगर बताइए जिसका टोर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे द टोर्सनल स्ट्रेन इंक्रीजेस इफ टोर्सनल स्ट्रेन इंक्रीजेस इफ टोर्सनल स्ट्रेन इंक्रीजेस देन एनर्जी विल बी इंक्रीजेस then energy will be increases and stability will be decreases. If torsional strain will be increases then energy will be increases or stability will be decreases. समझ पा रहे हैं? अगर torsional strain increase होगा, if torsional strain increases then energy will be increases and stability will be decreases. समझ पा रहे होंगे? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ड्यूरिंग द फ्री रोटेशन। अच्छा बताइए, जब फ्री रोटेशन करते हैं तो क्या चेंज होता है? बॉन्ड लेंथ चेंज होता है? अरे भाई, बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाता है? नहीं चेंज होता है, ड्यू टू फ्री रोटेशन। ये बॉन्ड लेंथ, ये जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो रहा है। ड्यू टू फ्री रोटेशन बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होता है। बॉन्ड एंगल बताओ, इन दोनों का बीच का एंगल अगर 120 है, ये 120 है, रोटेट करा तो 60 हो गया क्या? नहीं। क्या आप रोटेट कर रहे हैं तो एक बॉन्ड बड़ा होता रहा है क्या? नहीं। तो रोटेशन के दौरान बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है। तो लिखेंगे ड्यूरिंग फ्री रोटेशन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल रिमेन्स सेम। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट डाइहेड्रल एंगल चेंजेस। क्या चेंज हो जाता है बोलिए? डाइहेड्रल एंगल चेंज हो जाता है। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, अगर मैं बात करूं, अच्छा अगर आपसे पूछूं इथेन का कितना कन्फर्मेशन हो सकता है, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट हो सकता है। तो लेकिन इथेन विल फॉर्म इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल। कॉपी हो चुका होगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई, अगर मान लो ये लिखा है CH3 CH3, क्या लिखा है भाई? CH3 CH3। और न्यूमान प्रोजेक्शन बनाना है। क्या बनाना है? न्यूमान प्रोजेक्शन बनाना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस न्यूमान प्रोजेक्शन में जब हम लोगों को बनाना है तो इसका दो स्ट्रक्चर होता है। एक का नाम होता है इक्लिप्स, इक्लिप्स्ड होता है, और एक का नाम होता है स्टेगर्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, किसको इक्लिप्स बोला जाता है, किसको स्टेगर्ड बोला जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो ये लिखा है और ये स्ट्रक्चर ऐसे बना, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आप मुझे बताइए, यहां में डाइहेड्रल एंगल क्या होगा? क्या डाइहेड्रल एंगल? थीटा की वैल्यू 0, थीटा इज द डाइहेड्रल एंगल। अब तुमने इसको क्या कर दिया, ये वाला केस हो गया भाई। इसको क्या बोलते हैं? जब ये बॉन्ड एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं, जस्ट पीछे होते हैं, तो इसका नाम हो जाता है, ये तो अगर आप सामने से देखेंगे तो कौन सा प्रोजेक्शन दिखाई देगा? न्यूमैन प्रोजेक्शन। और इसका दो फॉर्म होता है, एक का नाम होता है इक्लिप्स होता है, दूसरा का नाम स्टेगर्ड होता है। अगर आप इसको जस्ट 60 डिग्री रोटेट कर देंगे तो आपको पीछे वाला बॉन्ड भी दिखाई देगा, आगे वाला बॉन्ड भी दिखाई देगा, लेकिन दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा स्टेगर्ड। क्या नाम हो जाएगा? स्टेगर्ड हो जाएगा। देखिए, फ्रंट वाला कार्बन को, जैसे ये फ्रंट वाला कार्बन को हमेशा किससे डिनोट करता है? डॉट से डिनोट करना है। और बैक वाला कार्बन को, बताइए बैक वाला कार्बन को राउंड से डिनोट करना है। अब तुमने देखो यहां में क्या था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन था। अब आपने 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये बैक वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहां में आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? अब बताइए, ऐसा आपने कर दिया तो इसका वजह से बताओ यहां में टोर्सनल स्ट्रेन है कि नहीं है?
अरे भाई सामने सामने है ना, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन सामने सामने है क्या? सामने सामने है तो बताओ इसका टोर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होगा क्या? अगर टोर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी भाई? ज्यादा होगी। अगर इसकी ऊर्जा होगी ज्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बताइए? अरे भाई इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर इसकी हम बात करें, बताओ इसका टोर्सनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? कम। टोर्सनल स्ट्रेन कम होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। और एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो आप मुझे बताइए, और इसका जो डाइहेड्रल एंगल है थीटा की वैल्यू वो क्या है? 60 डिग्री है। कितना है बोलिए? 60 डिग्री। अगर हमको न्यूमन प्रोजेक्शन में मोर स्टेबल कंपाउंड बनाना है, मोर स्टेबल आइसोमर्स बनाना है, तो इक्लिप्स वाला बनाऊंगा कि स्टेगर्ड वाला बनाऊंगा? स्टेगर्ड वाला बनाऊंगा। क्या समझ पा रहे हैं? जब एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है बोलिए? 60 डिग्री। इक्लिप्स का डाइहेड्रल एंगल कितना होता है भाई? इक्लिप्स का डाइहेड्रल एंगल 0 और स्टेगर्ड का डाइहेड्रल एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है? स्टेगर्ड वाला ज्यादा स्टेबल है। कॉपी हो चुका है? थोड़ा एक बार रिविजन हो जाए, फिर हम लोग चार कंपाउंड मतलब ब्यूटेन का बना के देखेंगे कि ब्यूटेन का कितना कन्फॉर्मर्स मतलब न्यूमन प्रोजेक्शन से कितना स्ट्रक्चर बनेगा और उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा। अरे भाई बताइए, अगर हमारे पास में दो कंपाउंड है और दोनों में देखना है कौन ज्यादा स्टेबल है, अरे भाई वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसका डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री होगा। अरे भाई जब डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री होगा तो उसका टोर्सनल स्ट्रेन मिनिमम होगा कि नहीं होगा, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। लेकिन अगर दो ही कंपाउंड ऐसा हो जिसका डायहेड्रल एंगल 60-60 आ जाए भाई, उस केस में ना दिक्कत आ सकता है। अगर एक का डाइहेड्रल एंगल 0 है, दूसरा का डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, कौन स्टेबल होगा? 60 डिग्री वाला। लेकिन एक और कंपाउंड आ जाए उसका भी डाइहेड्रल एंगल 60 हो जाए, तो दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा कौन ज्यादा स्टेबल हो। अरे भाई समझ पा रहे हैं कि आप लोग? हाँ, तो उसके लिए थोड़ा एक बार रिविजन हो जाए, क्विक रिविजन, ठीक है? क्या यहां तक कॉपी हो चुका है? चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रिविजन होगा तो शुरुआत से होगा, नोमेनक्लेचर से होगा। क्लियर है ना भाई? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो उसके 5 मिनट में रिवीजन, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे और एक नया कंपाउंड बनाया जाएगा, उसका 6 स्ट्रक्चर बनेगा और उसमें कंपेयर करेंगे कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन रिस्पॉन्स करना है भाई आप लोगों को, जल्दी सबसे पहले बताइए, नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या काम करते थे? जोर से बोलो भाई, सबसे पहले क्या करते थे? सिलेक्शन। क्या करते थे? सिलेक्शन। उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेना है। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताओ, सबसे ऊपर में कौन होता है? जोर से बोला, सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे नीचे अमाइन, क्या होता है? अमाइन। अमाइन से ऊपर थायोल, थायोल से ऊपर एल्कोहल, एल्कोहल से ऊपर कीटोन, कीटोन से ऊपर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? एल्डिहाइड। साइनाइड आइसोसाइनाइड में साइनाइड, नीचे क्या होगा? आइसोसाइनाइड। फिर अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड से नीचे में सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड से नीचे में एनहाइड्राइड, अगर बोले इसको एसिड एनहाइड्राइड, क्या बोला जाएगा? एसिड एनहाइड्राइड। उसके नीचे में एस्टर, नीचे क्या होगा? एसिड हैलाइड अमाइड, क्या होगा? एसिड हैलाइड अमाइड। बोलो क्लियर है ना भाई? उसके लास्ट में क्या करते थे हम लोग? नेमिंग। क्या करते थे हम भाई? थोड़ा आपको भी रिस्पॉन्स करिए, याद होगा आपको, बताइए नेमिंग करते समय सबसे पहले किसका नाम लिखना है? जोर से बोलो भाई, नेमिंग करते समय किसका पहले नाम लिखेंगे? साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड का, बॉन्ड के बाद डॉन का, डॉन से पहले बॉन्ड, बॉन्ड से पहले पीसीसी, पीसीसी पहले साइड ब्रांच। क्या जब भी हम साइड ब्रांच का नाम लिखते हैं तो साइड ब्रांच का नाम हमेशा कौन सा ऑर्डर में लेना लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछूं, बताइए अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, आप बताइए ये क्या है? आप बोलेंगे क्या है? बोलो बताओ भाई, ये एस्टर है। क्या है बोलिए? एस्टर। एस्टर का टेस्ट कैसा होता है? फ्रूटी स्मेल। इसका टेस्ट कैसा होता है? फ्रूटी होता है, फ्रूटी जैसा होता है। नाम बताइए क्या होगा? क्या बताओ ये चेन टर्मिनेटिंग है क्या? अरे भाई बताओ चेन टर्मिनेटिंग है तो क्या इसका कार्बन पीसीसी में काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा। बताइए कितने करीना है? नाम क्या होगा? 6 कार्बन है तो क्या नाम लिखेंगे? हेक्स। अरे भाई 6 है तो क्या लिखेंगे? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। बताइए कार्बन, क्या एस्टर का कार्बन पीसीसी में काउंट हो चुका है? तो बताओ कार्बोक्सिलेट लिखा जाएगा कि ओएट लिखा जाएगा? ओएट लिखा जाएगा। वो कौन सा नंबर पे है? 1 नंबर पे है, तो नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन 1OH। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप को सबसे पहले लिखते हैं तो नाम क्या हो जाएगा बताइए इसका? मिथाइल हेक्सेन 1OH। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मान लो भाई इसमें अगर हम लोग ऐसे ग्रुप लगा दे भाई, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहां में ग्रुप लगा देते हैं,
अगर हम लोग मान लो टू में OH लगा देते हैं, या हमें BR लगा देते हैं, या हमें NH2 लगा देते हैं, अरे भाई इतना सारा फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, क्या इतना सारा फंक्शनल ग्रुप क्या इस एस्टर को कुछ कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, डॉन है तो डॉन रहेगा। क्या समझ में, क्या डॉन है तो डॉन रहेगा ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। अगर यहां में लग जाए COOH तो बताओ ये डॉन हो जाएगा क्या? नहीं। डॉन है तो डॉन रहेगा जरूरी नहीं है। क्या समझ पा रहे हैं भाई? अब बताइए इसका नाम लिख रहा है तो बताओ इसका नाम कैसे लिखेंगे? बताइए सबसे पहले साइड ब्रांच आ चुका है और उस साइड ब्रांच का नाम क्या है? अरे भाई अल्कोहल लगाया, अल्कोहल का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है। बीआर का नाम ब्रोमो होता है। NH2 का नाम अमाइनो होता है, अमीनो होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? ए आएगा। तो नाम क्या होता है बोलिए? 4-amino। फिर क्या आएगा? 3-bromo, 2-hydroxy। उसके बाद हेक्सेन 1-OH, मिथाइल सबसे पहले आएगा। अरे भाई ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप तो सबसे पहले ही आएगा ना। बताइए क्या नाम हो गया? अरे भाई नाम हो, ये हो गया 4-amino, 4-amino, 3-bromo, 3-bromo, उसके बाद 2-hydroxy। क्या नाम हो जाएगा? 2-hydroxy, 2-hydroxy, हेक्सेन 1-OH। किसी को डाउट नहीं है ना भाई? ये भी रिवीजन करना जरूरी है, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। अरे भाई एस्टर और लिलियाइड में नाम लिखना गलत हो जाता है, क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैंने आइसोमरिज्म पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में बताइए जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, तो क्या नाम हो जाता है? मजा नहीं, रिस्पॉन्स जोर से करिए। मैं इतना जोर से बोल रहा हूँ, उतना ही जोर से आपको भी बोलना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट तो नाम क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम और उसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा? स्टीरियो आइसोमरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट तो क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमरिज्म। MF सेम, FG सेम और PCC में कार्बन डिफरेंट हो जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा? चेन आइसोमरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल आइसोमरिज्म सेम, PCC सेम, PI डिफरेंट हो जाए, PI बोले तो पोजीशन डिफरेंट हो जाए तो क्या नाम हो जाएगा? पोजीशन आइसोमरिज्म। क्या मेटामरिज्म जानते हैं क्या आप लोग? मेटामरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, क्या डिफरेंट होता है? कनेक्टिविटी। ऑक्सीजन में किस क्या देखते हैं? ऑक्सीजन में कनेक्टिविटी किस किस में देखते हैं? ईथर एस्टर एनहाइड्राइड, ईथर एस्टर एनहाइड्राइड। नाइट्रोजन में कनेक्टिविटी कब देखते हैं? सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, अमाइन। बोलो क्लियर है ना भाई? क्या इसमें देखते हैं? फिर मैं आपको बता रहा था कि जब हमारा फंक्शनल आइसोमरिज्म की जब बात करते हैं तो आइसोमरिज्म में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल मतलब कितने आइसोमरिज्म बनेंगे उसमें हम लोग देख रहे थे एल्केन में एल्काइन में। आपको याद कराया था 1 1 1 2 3 5, याद कराया था क्या भाई? 1 1 1 2 3 5। अगर कार्बन 1 है तो उसका स्ट्रक्चर कितना ही बनेगा? 1। कार्बन 2 होगा तो स्ट्रक्चर कितना बनेगा? 2। कार्बन 3 होगा तो कितना बनेगा? कार्बन 3 होगा तो कितना स्ट्रक्चर? 1। 4 होगा तो 2, 5 होगा तो 3, 6 कार्बन पे कितने स्ट्रक्चर? 5। 6 कार्बन पे कितने स्ट्रक्चर? 5। एक कब स्टॉप था भाई? जब एल्केन एल्कीन एल्काइन। अरे भाई जब अगर मान लो एल्केन दिया है, कार्बन कितना दिया है? 4। 4 कार्बन पे 2 एल्केन का स्ट्रक्चर बनता है। एल्कीन का पूछेगा तो डबल बॉन्ड कहां लगाया जा सकता है, ट्रिपल बॉन्ड कहां लगाया जा सकता है? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? लेकिन क्या ये बताओ कौन सा वाला टाइप का था? RZ टाइप का था। मैं बताया था फंक्शनल ग्रुप दो प्रकार का होता है, एक तो RZ होता है और एक RZR होता है। अरे भाई होता है ना भाई? अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप का, किसकी बात करें भाई? फंक्शनल ग्रुप का तो क्या था बताइए भाई? देखिए 1 1 1 1 2 4 8 17, याद रखना है 1 1 1। अगर हिंदी में बोले 112 400 11 24 87, ऐसा हो जाए 817। समझ पा रहे हैं ना भाई? ऐसे याद करना है। अरे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, अरे भाई फंक्शनल ग्रुप मतलब एक हाइड्रोजन निकाला जाए, अगर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कितना ही बनेगा? 1। अगर दो कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, एक हाइड्रोजन निकालना है तो स्ट्रक्चर कितना बनेगा? 1। अगर तीन कार्बन से हाइड्रोजन निकालने का दो तरीका है, दो स्ट्रक्चर बनेगा। 4 कार्बन से हाइड्रोजन निकालने का 4 तरीका है। 5 कार्बन से हाइड्रोजन निकालने का 8 तरीका है। 6 कार्बन से हाइड्रोजन निकालने का 17 स्ट्रक्चर हो जाएंगे। कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है भाई? 17 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अगर मैं आपसे पूछूं, अरे भाई ध्यान दीजिएगा, इससे हम क्या बता सकते हैं? अरे भाई फंक्शनल ग्रुप का आइसोमरिज्म को आप बता सकते हैं। अब बताइए अगर लिखा है C4H10O, क्या लिखा है बोलिए? C4H10O। बताओ क्या इसमें पाई बॉन्ड होंगे क्या? अरे भाई पाई बॉन्ड होगा क्या? अरे भाई कार्बन 4 पे हाइड्रोजन कितना होता है? 10।
क्या 10 है क्या भाई? इसका मतलब इसमें पाई बॉन्ड नहीं होंगे, इसका डीयू क्या हो जाएगा? डीयू जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं मान लो इसका बोलूंगा बताओ इसका अल्कोहल का टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, तो आपको क्या कर देना है? अरे भाई क्या करना है, अल्कोहल है तो क्या साइड कर लेंगे? OH, क्या साइड कर लेंगे? अगर OH साइड कर लेंगे तो क्या बचेगा? C4H9, और C4H9 का कितना स्ट्रक्चर है बताइए? कार्बन 4 पे 4, तो इसके टोटल कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे? 4। क्या बन जाएंगे भाई? 4 बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। अगर मान लो भाई ऐसे लिखा है C17H4O2, मान लो ऐसे लिखा है, बताओ क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं बोलूंगा इसके कितने एसिड बनाए जा सकते हैं, अरे भाई एसिड बोले तो COOH बाहर करना है, क्या बाहर करना है? COOH बाहर करना है, बताओ कितने कार्बन बचेंगे? 6। अरे भाई बोलो क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा ना भाई। और कार्बन 6 पे स्ट्रक्चर कितना बनता है? कितना बनता है? 17। तो इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे? 17। क्या समझ पा रहे हैं? अरे भाई ऐसे बताया गया था आपको, अगर मान लो मेटामरिज्म बताया गया था, क्या मेटामरिज्म? अरे भाई कनेक्टिविटी दोनों डिफरेंट है तो क्या हो सकता है? मेटामरिज्म। अरे भाई ऑक्सीजन के अराउंड अगर बात करा जाए और दोनों साइड की कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो मल्ली मेटामरिज्म होगा। अगर एक साइड की कनेक्टिविटी सेम है, दूसरी साइड की कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो वो मेटामरिज्म के साथ वो चैन भी हो सकता है, वो पोजिशन भी हो सकता है। नहीं समझे? अच्छा देखिए, और मेटामरिज्म में बताने के लिए मैं बताया था कि सबसे पहले एक कार्बन को मिनिमम दो, दूसरा कार्बन को मैक्सिमम दो, और उस मैक्सिमम के आधार पे देखो कितना उसका स्ट्रक्चर बन सकता है। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? जैसे अगर मान लो लिखा है जैसे मान लीजिए भाई यहां में लिखा है क्या बनाना है? ईथर। क्या बनाना है बोलिए? ईथर। अब देखिए क्या लिखा है, कार्बन कितना लिखा है? 8। क्या लिखा है बोलिए? 8। तो जैसे मान लीजिए C17H16 और O लिखा है और इसका टोटल ईथर बनाना है, मतलब इसका ईथर टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दो। क्या कार्बन एक यहां में फिक्स करेंगे? क्या यहां में ऑक्सीजन लगाएंगे? इधर में कार्बन क्या लिखेंगे? 6। और ये 6 कार्बन पे टोटल स्ट्रक्चर, अरे भाई कितना बनता है? 17 बनता है। अब कार्बन को चेंज करेंगे, इधर कार्बन 2 देंगे, इसको मिनिमम रखना है, दूसरा को मैक्सिमम रखना है, उसके आधार पे देखना है उसका कितना स्ट्रक्चर बनेगा। बोलिए क्या लिखेंगे? 5। 5 पे कितना स्ट्रक्चर? 8। बताइए यहां में 3 कार्बन देंगे, यहां में कितना कार्बन हो जाएगा? 4। 4 पे कितना स्ट्रक्चर? 4 बनता है। फिर इधर देंगे तो क्या हो जाएगा? C4O3। अरे भाई रिपीट हो गया क्या? रिपीट हो गया। तो 8 4 12 12 प्लस 17 ऐड कर दीजिए तो टोटल स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे? 20 ना। क्या समझ पा रहे हैं भाई? तो टेंशन नहीं आ गया, 29 ही तो बनेगा ना, 29 ही बनेगा भाई। इसको मिनिमम रखा था ना, इसको मैक्सिमम रखा था, फिर इसे कम करते जाएंगे रिपीटेशन पे, रिपीट होते रहेगा तो उसको काउंट नहीं करना है। क्या समझ पा रहे हैं? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ेंगे। क्या समझ पा रहे हैं भाई? ऐसे ही पूरा याद होना जरूरी है। क्या आगे बढ़ा जाए भाई? ठीक है, अब देखिए आइए। अब हम लोग न्यूमान प्रोजेक्शन में दो स्ट्रक्चर बनाए थे भाई, और वो दो स्ट्रक्चर क्या था? एक तो इक्लिप्स था, दूसरा क्या था? स्टेगर। कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेगर। स्टेगर का डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री, डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर हम बात करें ब्यूटेन का, अब ध्यान दीजिए भाई, कॉपी नहीं करना है, कॉपी करेंगे नहीं समझ में आएगा। इधर देखिए क्या लिखा है बोलिए? ब्यूटेन। क्या लिखा है? ब्यूटेन। इसका 6 स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कितने स्ट्रक्चर बनने वाले हैं? 6 स्ट्रक्चर बनने वाले भाई, तुम लोग लिख लो 6 कार्बन पे स्ट्रक्चर 17 बनता था। मैं होमवर्क दिया था, तुमने करा भी नहीं था, क्या तुम लोग रही किया ना भाई, लिख लो वहां में 17। हो गया, लिख लिए हैं। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालना था, ये वाला था स्ट्रक्चर, हाँ 17 लिख लिया। ठीक है, चलिए तो चलिए भाई आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हम लोग क्या करना है, इसमें 4 कार्बन लगा है और न्यूमैन प्रोजेक्शन से आपको स्ट्रक्चर बनाना है और देखना है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए आप किसी को, किसी भी दो कार्बन को, किसी को आप फ्रंट कार्बन मान सकते हैं और किसी को बैक कार्बन मान सकते हैं। जैसे आपने इस कार्बन को क्या मान लिया? फ्रंट, तो इसको क्या मानना पड़ेगा? बैक।
क्या समझ पा रहे हैं? तो बताइए, अगर इसको आप फ्रंट कार्बन मान रहे हैं तो बताइए इस कार्बन पे, इस फ्रंट कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है भाई? तीन हाइड्रोजन है। अगर आप इसको बैक कार्बन मान रहे हैं तो दो तो हाइड्रोजन है और एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना भाई? अरे भाई देखो ध्यान से सुनो, अगर हम बात करें, देखो आपने इसको बैक कार्बन माना है, बैक कार्बन, तो इस पे तो दो हाइड्रोजन है, एक दो और एक क्या लगा है, CH2CH3, यही तो लगा हुआ है ना। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब अगर मान लो मैंने इसको फ्रंट मान लिया, इसको फ्रंट मान लिया और इसको क्या मान लिया भाई, बैक। आप किसी को फ्रंट और किसी को बैक मान सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फ्रंट माना, इसको बैक माना, ऐसा क्यों माना? ताकि सिमेट्रिकल हो जाए। क्या हो जाए बोलिए? सिमेट्रिकल हो जाए। जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी को मानना है, आप किसी को भी मान सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? तो सिमेट्रिकल का आधार पे, सिमेट्रिकल का वजह से मैंने इसको फ्रंट मान लिया और इसको क्या मान लिया, बैक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ये फ्रंट कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है? दो हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप, दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप। बैक वाला कार्बन पे भी क्या लगा है? दो हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप। क्या समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। जैसे देखो ये फ्रंट है, ये फ्रंट है भाई, और इस फ्रंट पे क्या लगा हुआ है आप बोलिए? दो हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर हम बात करें भाई, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका बैक पे बात करें, बैक पे, बैक मतलब ये गोला बनाना है, और इस गोला पे भी क्या लगा हुआ है बताइए? दो हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो क्या ये क्या स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना? बना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां में इसका हमको टोटल स्ट्रक्चर बनाना है। क्या करना है भाई? टोटल स्ट्रक्चर बनाना है। पहले बताओ क्या ये जो ब्यूटेन लिखा है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। फ्रंट पे ये देखो फ्रंट कार्बन था, दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल, और बैक पे भी दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल। क्या आप समझ पा रहे हैं? और आप मुझे बताइए, यहां में दोनों, यहां में दो प्रकार का एंगल होगा, दो प्रकार का एंगल होगा, ठीक है? यहां में दो प्रकार का एंगल होगा, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भाई। जैसे आप थोड़ा सा यहां में समझने की कोशिश करना, ये जो ग्रीन वाला है वो मिथाइल है, ग्रीन वाला मिथाइल है, व्हाइट वाला हाइड्रोजन है, और यहां में भी ग्रीन वाला मिथाइल है और दो हाइड्रोजन, और दो व्हाइट वाला दो हाइड्रोजन है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यहां में देखो एक तो दो एक मिथाइल ग्रुप है आगे भी और एक पीछे भी, और दो दो हाइड्रोजन है। अब थोड़ा सा सोच के देखना, अभी बताओ दोनों का बीच का एंगल कितना है? डायहेड्रल एंगल जीरो। अब तुमने इसको रोटेट करा, बताओ डायहेड्रल एंगल 60, फिर रोटेट करा डायहेड्रल एंगल जीरो, फिर रोटेट करा, फिर डायहेड्रल एंगल, मतलब हमारा डायहेड्रल एंगल या तो जीरो या तो 60, जीरो या तो 60, जीरो या तो 60। क्या समझ पा रहे हैं ना? लेकिन जो एंगल रोटेशन वाला होगा, जिसको एंगल ऑफ रोटेशन बोला जाएगा, उसको मैं अल्फा बोलूंगा, उसकी वैल्यू आपको बताना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, अभी देखना ये एंगल कितना है, अल्फा की वैल्यू जीरो डिग्री है, कितना है भाई जीरो। दोनों मिथाइल मिथाइल सामने सामने थे, अब तुमने इसको रोटेट करा तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, कितना एंगल से रोटेट करा, 60 डिग्री से, तो अल्फा की वैल्यू 60 हो गई। फिर तुमने 60 रोटेट कर दिया तो अल्फा की वैल्यू 120 हो गई। अरे भाई पहले तुमने 60 रोटेट करा था, फिर 60 रोटेट कर दिया, तो टोटल एंगल कितना रोटेशन करा, 120। अल्फा इज 120 लेकिन डायहेड्रल एंगल जीरो। अरे भाई नहीं समझे आप, देखिए पहले यहां ध्यान से सुनेंगे, बताओ डायहेड्रल एंगल कितना जीरो, अल्फा भी कितना जीरो, मतलब रोटेट किया ही नहीं। अब तुमने इसको 60 डिग्री रोटेट करा तो बताओ अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री, डायहेड्रल एंगल भी 60 डिग्री, फिर तुमने 60 डिग्री रोटेट करा, बताओ अब डायहेड्रल एंगल जीरो, अल्फा की वैल्यू शुरुआत में 60 रोटेट करा था, फिर 60 रोटेट किया, कितना हो गया 120। फिर बताओ 60 रोटेट कर दिया, अल्फा का वैल्यू 120 प्लस 60 180। अरे भाई आमने सामने हो गए, आमने सामने हो गए, समझ पा रहे ना? लेकिन बताओ डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री, फिर तुमने रोटेट कर दिया, बताओ कितना हो जाएगा, फिर रोटेट कर दिया कितना हो जाएगा। मतलब कहने का यह मतलब है कि अल्फा कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेगा लेकिन डायहेड्रल एंगल 0 60 0 60 0 60। क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा बताओ कहां तक ये एंगल चेंज हो सकता है? अरे भाई पहले तो 60 होगा, फिर 60 रोटेट करेंगे तो 120, फिर रोटेट करेंगे तो 180, फिर रोटेट करेंगे तो
240, फिर रोटेट करेंगे तो 60 डिग्री, 300, और फिर रोटेट करेंगे तो 360। अरे भाई 360 के बाद तो स्ट्रक्चर सिमिलर हो जाएगा। अगर एंगल को 360 कर लेंगे तो जहां से चले थे वही बन जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो कितना रोटेशन पॉसिबल है? 300 तक। कितना तक भाई? 300। अरे भाई 360 में तो फिर वो सेम ही बन जाएगा। मतलब नया स्ट्रक्चर कितना बन सकता है? 300 डिग्री तक। नहीं समझे आप लोग? अभी जब तुम 360 रोटेट कर देगा तो पहला वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। क्या समझ पा रहे हैं? तो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हम लोग कितना रोटेट करेंगे? अगर मैं बोलूंगा 360 रोटेशन पे पहला एंगल रिपीट हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? 360 प्लस 60 कितना होता है? 420 पे सेकेंड वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इसमें सबसे पहला काम यह है कि आपको फ्रंट वाला कार्बन को बनाओ। इसका 6 स्ट्रक्चर बनेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई। फ्रंट वाला कार्बन को मैंने ऐसे बना दिया। क्या आप समझ पा रहे हैं? फ्रंट वाला कार्बन को मैंने ऐसे बना दिया। क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड छोट होगा। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि फ्रंट वाला कार्बन को बना लेना है और बैक वाला कार्बन को रोटेट करते हुए चले जाना है। क्या ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा? अब ये मान लो बैक वाला कार्बन, अगर 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो बताओ यहाँ में CH3 आ जाएगा। क्या बताओ? यहाँ में H आ जाएगा और यहाँ में H आ जाएगा। बोलिए कि किसी को डाउट नहीं है ना? फिर आपने 60 डिग्री रोटेट करा, फिर 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? ये CH3 इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, क्या ये CH3 इधर आ जाएगा? क्या ये H इधर आ जाएगा? और ये H हमारा किधर जाएगा बताइए? इधर आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? फिर अगर आप रोटेट करेंगे कितना डिग्री? 60 डिग्री, तो बताओ क्या CH3 इधर आ जाएगा? क्या H इधर आ जाएगा? ये H इधर आ जाएगा, आ जाएगा ना भाई? फिर आपने रोटेट करा तो बताओ 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या CH3 इधर आ जाएगी? बोलिए आ जाएगी ना भाई? क्या H इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा, आ जाएगा ना? फिर आपने रोटेट करा 60 डिग्री तो बताइए क्या हो जाएगा? CH3 तो इधर आ जाएगा और CH3 इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, आपको समझ पा रहे होंगे भाई। ऐसे आपका 6 स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि आप लोग? थोड़ा सा 3 नीचे बना देता हूं, 3 ऊपर बना देता हूं ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा होगा तो आपको दिखाई देगा। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, ये ब्यूटेन को हटा दिए पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाएंगे तो ये खत्म ही हो गया कंफर्मेशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, 3 स्ट्रक्चर ना ऊपर में। ठीक है, अब देखिए भाई, और ये 3 स्ट्रक्चर को मैं इधर साइड में लिख देता हूं। दिखाई दे रहा होगा लास्ट से? दिखाई दे रहा है क्या? चलिए अब नाम बताना है। अब देखिए इसका नाम क्या होगा?
इक्लिप्स या स्टेगर्ड? इक्लिप्स या स्टेगर्ड? इक्लिप्स बताइए, यहां में दो प्रकार के एंगल है, एक तो नाम थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो, अल्फा का वैल्यू जीरो, यहां में बताइए थीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी है 60 डिग्री, अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री, अब बताओ यहां में थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू जीरो, अल्फा की वैल्यू बताओ, यहां से देखो ये कब आ सकता है, 60 बार रोटेट करेंगे तो CH3 इधर आएगा, फिर 60 रोटेट करेंगे तो वहां में चला जाएगा, तो कितना बार रोटेशन करा गया 120 डिग्री, कितना बार 120 डिग्री, यहां से यहां में कितना बार रोटेशन करा गया 60 डिग्री, फिर यहां से यहां में कितना रोटेशन किया गया 60 डिग्री, क्या समझ पा रहे हैं? चलिए ये बताइए, ये यहां में जो रोटेशन हुआ 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, अल्फा का वैल्यू 180, अरे भाई आमने सामने आ गया, आमने सामने आ गया ना, तो 180 डिग्री, अब बताइए यहां में थीटा का वैल्यू जीरो और यहां में अल्फा की वैल्यू 240 और यहां में थीटा की वैल्यू कितना 60, अल्फा की वैल्यू 300, ठीक है, फिर रोटेट कर देंगे तो फर्स्ट वाला रिपीट हो जाएगा। अच्छा बताओ यहां में, अरे भाई पहले ध्यान से सुनेंगे, क्या इसमें टोटल स्ट्रक्चर कितना बना 6, कितना बना 6, क्या 6 में कितने स्टेगर्ड हैं, कितने इक्लिप्स हैं? अरे भाई इक्लिप्स बोला जाए, अरे भाई इक्लिप्स मतलब जिसका डाइहेड्रल एंगल जीरो होगा, स्टेगर्ड जिसका डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होगा, तो बताओ क्या इसमें 3 इक्लिप्स है 3 स्टेगर्ड है, बताओ ये कौन सा वाला है इक्लिप्स, क्या है इक्लिप्स, चलिए बताइए इक्लिप्स, ये इक्लिप्स्ड है, ये बताओ ये क्या है स्टेगर्ड है, ये क्या है इक्लिप्स्ड है, ये क्या है स्टेगर्ड है, ये स्टेगर्ड है, ये बताइए क्या है इक्लिप्स है और ये क्या है बताइए स्टेगर्ड है, क्या समझ पा रहे हैं भाई? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहां में ध्यान दीजिएगा, एक इक्लिप्स है और दूसरा स्टेगर्ड है, क्या है एक इक्लिप्स है और दूसरा स्टेगर्ड है। अच्छा आप मुझे बताइए क्या यहां में टॉर्सनल स्ट्रेन होगा कि नहीं होगा, क्या यहां में टॉर्सनल स्ट्रेन है कि नहीं है, क्या ये, अच्छा देखो जो CH3 ग्रुप होता है, ध्यान दीजिए एक तो बल्की ग्रुप होता है एक तो हल्की ग्रुप होता है, कौन बल्की है कौन हल्की है ये आपको सोचना पड़ेगा। अरे भाई CH3 जो होता है बल्की ग्रुप होता है, क्या होता है भाई बल्की, और इसका वजह से रिपल्सन होता है, इसका वजह से क्या होता है भाई, क्या इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन है कि नहीं है, है, और इसमें एक और एक्स्ट्रा रिपल्सन है जिसका नाम है, अरे भाई स्टेरिक रिपल्सन, क्या नाम है स्टेरिक रिपल्सन। अच्छा भाई स्टेरिक रिपल्सन क्या होता है, बल्कि बल्कि बड़ा बड़ा ग्रुप एक दूसरे के सामने आता है तो उसका बीच में जो रिपल्सन लगता है उसी रिपल्सन को हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस का नाम से जानते हैं या स्टेरिक रिपल्सन का नाम से जानते हैं, क्या समझ पा रहे हैं? बताओ यहां में क्या दोनों बल्की ग्रुप, अरे भाई CH3 बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है CH3 बड़ा है कि नहीं है, है, तो क्या दोनों बल्की ग्रुप सामने सामने हैं क्या, तो यहां में कौन सा, यहां में टॉर्सनल स्ट्रेन भी होगा और अलोंग विथ स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब टॉर्सनल स्ट्रेन के साथ साथ स्टेरिक हिंड्रेंस भी लग रहा है, स्टेरिक रिपल्सन लग रहा है, अरे भाई समझ पा रहे क्या? अच्छा बताओ यहां में क्या, आप मुझे बताइए यहाँ पे CH3 क्या थोड़ा बहुत दूर दूर हो गया, क्या भाई दूर दूर हो गया, तो क्या यहां में स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगा, स्टेरिक रिपल्सन भी होगा और टॉर्सनल TS होगा कि नहीं होगा, दूर दूर हो गया कम हो गया, लेकिन यहां में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कि नहीं होगा, होगा, क्या समझ पा रहे होंगे? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब दोनों बल्की ग्रुप, दोनों बल्की ग्रुप ध्यान से सुनिएगा, जब दोनों बल्की ग्रुप सामने सामने होते हैं तो इसका नाम होता है फुल्ली इक्लिप्स, क्या नाम होता है भाई इसका फुल्ली इक्लिप्स, ये है फुल्ली इक्लिप्स, और बताओ यहां में क्या ये दोनों, बताओ ये फुल्ली है या पार्शियली है, दोनों बल्की ग्रुप दोनों दूसरे से दूर चला गया है तो नाम क्या होता है पार्शियल इक्लिप्स, क्या नाम होता है पार्शियल इक्लिप्स या पार्शियली इक्लिप्स, और ये यहां में बताओ ये भी क्या है पार्शियल इक्लिप्स, CH3 दूर दूर चला गया है, यहां में ध्यान दीजिएगा यहां में बल्की ग्रुप है हल्की ग्रुप है, हाइड्रोजन तो बहुत हल्का है ना भाई, और ये बल्की ग्रुप है, क्या आप समझ पा रहे हैं, तो यहां में क्या होगा रिपल्सन थोड़ा कम होगा, तो इसका नाम क्या होगा इक्लिप्स नहीं पार्शियल इक्लिप्स होगा, नाम क्या होगा पार्शियल इक्लिप्स होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं? देखो इसका नाम क्या है फुल्ली इक्लिप्स, उसका नाम क्या है पार्शियल इक्लिप्स, इसका भी नाम क्या है पार्शियल इक्लिप्स, नहीं समझे आप लोग, समझे? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
क्या ये स्टेगर्ड है क्या भाई? स्टेगर्ड है, क्या है? स्टेगर्ड। और दोनों बल्कि ग्रुप, दोनों के दोनों बल्कि ग्रुप जब एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल में चला जाता है तो नाम होता है गोज। क्या नाम होता है? गोज। इसका नाम क्या हो जाएगा? GAUCHE गोज। क्या नाम हो जाएगा? गोज। बताओ ये भी दोनों बल्कि ग्रुप दूर दूर हो गया क्या भाई? गोज। और देखो गोज कौन सा है, दोनों बल्कि ग्रुप जब 60 डिग्री में हो जाते हैं क्या ये आ गया? तो इसका भी नाम क्या हो चुका है? गोज। क्या आप समझ पा रहे हैं? और जब दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे से बहुत दूर चला गया क्या ये हो गया? तो इसका नाम होता है अंटी, ANTI। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि जो ब्यूटेन का 6 स्ट्रक्चर बना, ब्यूटेन का कितना स्ट्रक्चर बना? 6 में 3 क्या था? इक्लिप्स, और 3 क्या था? स्टेगर। लेकिन एक तो फुली इक्लिप्स था और दूसरा क्या था भाई? गोज था। तीसरा क्या था? पार्शियल इक्लिप्स था। नेक्स्ट क्या आ गया? अंटी आ गया, अंटी आ गया। और नेक्स्ट में क्या आ गया? पार्शियल इक्लिप्स। फिर नेक्स्ट क्या आ गया? गोज आ गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा रिपल्सन, सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा? फुल्ली इक्लिप्स, क्योंकि उसमें क्या क्या लग रहा है भाई? अरे भाई उसमें क्या लग रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस और टॉर्सनल स्ट्रेन, बल्कि बल्कि ग्रुप सामने सामने है और टॉर्सनल स्ट्रेन तो होगा ही होगा, तो इसमें रिपल्सन मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम, तो स्टेबिलिटी सबसे मिनिमम। सबसे कम कौन स्टेबल है भाई? फुल्ली इक्लिप्स। क्या है बोलिए? फुल्ली इक्लिप्स। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब मुझे बताइए, थोड़ा सा ध्यान दो भाई, अरे भाई ध्यान दो। अगर मैं मान लो इसकी एनर्जी को मैंने E1 बोला, अरे भाई क्या बोला? E1। इसको क्या बोला? E2। इसको क्या बोला गया? E3। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका जो एनर्जी था उसको बार बार ये नाम नहीं पुकारेंगे हम लोग, आंटी नहीं बोलेंगे। इसकी एनर्जी को E4 बोला गया और इसकी एनर्जी को E5 बोला गया और इसकी एनर्जी को E6 बोला गया। आप मुझे बताइए, अगर हम बात करें, अरे भाई क्या बात करें, अगर E2 की बात करें, E4 की बात करें और E6 की बात करें, बताइए, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर E1 की बात करें, E3 की बात करें, E5 की बात करें, बताओ E1, E3, E5 में एनर्जी क्या ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। अरे भाई दोनों बल्कि ग्रुप सामने सामने है, क्या इसमें रिपल्सन मैक्सिमम? क्या बताओ? रिपल्सन मैक्सिमम, तो एनर्जी मैक्सिमम। अगर इन दोनों में कंपेयर करा जाए तो किसका एनर्जी ज्यादा है? इसका ज्यादा है। आप मुझे बताइए, इसमें भी देखो बल्कि ग्रुप और हल्के ग्रुप सामने सामने है कि नहीं है? है। और यहां में देखो दूर दूर हो गया है, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो देखो, अच्छा बताओ इक्लिप्स और स्टेगर में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? अरे भाई किसका टोर्सनल? अरे भाई इक्लिप्स बोले तो सामने सामने, बोलो क्लियर है ना भाई? तो सामने सामने का एनर्जी और दूर दूर वाला एनर्जी में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? इक्लिप्स। तो आप मुझे बताओ, क्या तीन स्ट्रक्चर तो इक्लिप्स का है कि नहीं है? तो मैं बोल सकता हूं E1, E3, E5 का एनर्जी E2, E4, E6 से ज्यादा होगा। अरे भाई होगा कि नहीं होगा? तुम्हें नहीं समझा? तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी रुक जाइए भाई, थोड़ा सा पूरा कॉपी करना है आपको। अगर हम बात करें भाई, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एनर्जी की बात करें, अगर मान लो E1, अगर बात किया जाए E3 और बात किया जाए E5 की एनर्जी, बताओ E2, E4, E6 से ज्यादा होगी? ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी। क्या ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, E3, E5 की बात किया जाए, किसका? E3, E5 की बात किया जाए, अरे भाई देखो E3, E5 किधर है? E3, E5 इधर है। क्या ये भी पार्शियल इक्लिप्स है? ये भी पार्शियल इक्लिप्स है। यहां में देखो बल्कि हल्की ग्रुप है और यहां में दोनों बल्कि 120 डिग्री एंगल में है, तो बताओ इसका एनर्जी और इसका एनर्जी बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान देना, अरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम लोग E2, E4, E6 की बात करें, किसकी बात करें? E2, E4, E6, बताओ E1, E3, E5 में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका? E1। बताओ E3, E5 की एनर्जी बराबर? E3, E5 की एनर्जी बराबर। क्या समझ पा रहे हैं भाई? हाँ बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, E2, E4, E6 को ध्यान दीजिएगा, E2, E4, E6 को देखो, क्या आप देख पा रहे हैं? अरे भाई देख पा रहे हैं। आप मुझे बताइए, E2 और E6 को देखो, क्या बल्कि ग्रुप में, क्या इसमें स्ट्रक्चर सिमिलर है? दोनों बल्कि ग्रुप 60 डिग्री में है, क्या यहां भी 60 डिग्री में है? मतलब यहां में जो रिपल्सन होगा वही सेम रिपल्सन इसमें होगा? मैं बोल सकता हूं क्या E2 और E6 का एनर्जी बराबर होगा? अरे भाई होगा ना ऐसा? लेकिन आप बताओ
क्या सबसे एनर्जी कम किसका? E4 का, क्योंकि बल्कि ग्रुप 180 डिग्री एंगल में चला गया है। कहां में चला गया है? 180 डिग्री। क्या उसमें कोई रिपल्शन? बहुत कम लगेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? यहां में देखो, ये भी बल्कि ग्रुप, ये भी बल्कि ग्रुप, दोनों का बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जब एंगल बहुत दूर दूर चला जाए तो रिपल्शन क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। आप मुझे बताओ, E2, E4, E6 में एनर्जी मिनिमम किसका है? E4 का एनर्जी सबसे मिनिमम है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बताओ E1, E3, E5 में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? E1। क्या आप मुझे बताइए, E2, E3, E5 की एनर्जी बराबर होगी? क्या होगी भाई? बराबर। E2, E4, E6 में सबसे कम एनर्जी किसका? E4 का। क्या बताइए, E2 और E6 का एनर्जी बराबर होगा और सबसे कम एनर्जी E4 का होगा। अरे भाई, सबसे कम एनर्जी किसका होगा? एंटी का होगा। एंटी का होगा कि नहीं? एंटी का होगा कि नहीं होगा भाई? यही तो एंटी स्ट्रक्चर है ना, और जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है। क्या होती है बोलिए? मैक्सिमम होती है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या यहां में बताइए, थोड़ा सा यहां में भी डाईहेड्रल एंगल कितना है बताओ भाई? 60 डिग्री। क्या अगर दो डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री पे आ जाए? पहले ध्यान से सुनो। अच्छा बताओ जल्दी से भाई, अगर हम बात करें इक्लिप्स स्टेगर में कौन ज्यादा स्टेबल बताओ? 0 डिग्री एंगल और 60 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल? 60 डिग्री स्टेबल। क्या आप समझ पा रहे हैं? पर अगर 60 डिग्री वाला कंपाउंड जो लिखा गया होगा वो तो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर 60 डिग्री वाला दो आ जाए, क्या आ जाए भाई? दो आ जाए, तो देख लेना बल्कि ग्रुप अगर बहुत दूर दूर होंगे उस केस में वो कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे ये देखो, अरे भाई दूर दूर है क्या? क्या इस केस में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी है? एंटी की है। एंटी की है, क्या समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा मैं इसका ग्राफ बना के आपको दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। समझे नहीं समझे आपको? देखिए, अगर मान लो भाई, यहां ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसान है ये। जैसे मान लीजिए यहां में एनर्जी लिखा गया है, क्या लिखा गया है? एनर्जी। ठीक है, सबसे बताओ यहां में देखो तुमने ग्राफ, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? E1। उसके बाद यहां में कहीं E3 E5 होगा, होगा कि नहीं होगा? E3 E5, फिर किसका? E2 E6, E2 E6, फिर किसका भाई? E4। क्या समझ पा रहे हैं? या में एंगल देखो, एक बार तुमने जीरो से शुरू करा, फिर कितना? 60, फिर कितना? 120। अरे भाई अल्फा है ना, रोटेशन 60 120, फिर बोलो 180, फिर कितना? 240, फिर कितना? 300, फिर कितना? 360। क्या आप समझ पा रहे हैं? 360 में स्ट्रक्चर विल बी E1 आ जाएगा ना, मतलब उसका एनर्जी E1 हो जाएगा। नहीं समझे आप लोग? बताइए, 0 डिग्री था ना, ये 0 डिग्री में क्या था बताओ? फुल्ली इक्लिप्स E1। नहीं समझे भाई? जब डाईहेड्रल अल्फा का वैल्यू जब 0 था, यही तो अल्फा इक्वल टू 0 था, उस समय उसकी एनर्जी कितनी थी? E1। क्या नाम था? फुल्ली इक्लिप्स। क्या नाम था बोलिए? फुल्ली इक्लिप्स। क्या समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ये हो जाएगा E1। बताओ 60 डिग्री में क्या हुआ था? अभी 60 डिग्री में क्या हुआ था? 60 डिग्री में क्या बन जाएगा? गौच बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गौच। उस समय उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? E2 और किसका किसका बराबर होगा? E2 और E6 का। जब अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री था तो बताओ क्या था? E2 ये था ना, E2 E6 था ना। हाँ, 120 पे। अरे भाई स्ट्रक्चर आपको देखना है। अच्छा यहां देख लीजिए, बताइए 120 डिग्री में पार्शियली इक्लिप्स, मतलब उसकी एनर्जी क्या था? E3 E5, E3 और E5 का बराबर था ना भाई? तुम लोगों को विश्वास हो रहा है कि नहीं? ऐसा देख के भी यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? 180 पे बताइए क्या सामने सामने हो गए थे? CH3 ऊपर नीचे CH3, आंटी बन चुका था, तो उस समय उसकी एनर्जी कितनी थी? E4 थी। कितनी थी बोलिए? E4। 240 पे बताइए, 240 पे इक्लिप्स बनेगा E5। क्या बनेगा? E5। और E5 और क्या बन रहा था भाई? E5 कहाँ लिखा है? मतलब E3 E5 था ना यहाँ में। अरे भाई E3 E5 की एनर्जी तो बराबर थी। 300 में बताइए, अरे भाई 300 में बताइए, 300 कहाँ है? ये है अल्फा 300, तो क्या बन जाएगा? गोच बन जाएगा। उसकी एनर्जी क्या है? E6 है। क्या है बोलिए? E6 है। 300 में क्या हो जाएगा? E6, मतलब यहां में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर अगर 300 की बात करें तो E1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? E1। अरे भाई होगा कि नहीं होगा? क्या ग्राफ शुरू होगा यहां से? क्या देखिए, क्या ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है?
क्या यहाँ से शुरू हो रहा है, क्या इधर जाएगा, क्या ग्राफ इधर चला जाएगा। अच्छा आप मुझे बताओ ये क्या है, ये वाला पॉइंट फुल्ली इक्लिप्स, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, अंति, ये क्या है, ये क्या है, ये फुल्ली इक्लिप्स भाई, समझे नहीं समझे। तो ये स्ट्रक्चर है, बताओ सबसे ज्यादा क्या ये रोटेशन का, ये रोटेशन में क्या रोटेशन वर्सेस एनर्जी का ग्राफ बनाया गया, किसकी एनर्जी सबसे कम, एंटी का, जिसका एनर्जी सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम। अरे भाई समझे नहीं समझे आप लोग, समझे अब थोड़ा सा ध्यान देना, अरे भाई ध्यान दीजिए, ध्यान देना, क्या आप ध्यान दे रहे हैं। तो इधर देखिए, अगर हम लोग यहां में बात करें, भाई मैंने एनर्जी कहां लिखाया था, ये लिखा था ना भाई हम लोग, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या पूरा अच्छा से ध्यान देना भाई। अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी की, किसकी बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, आप मुझे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेगर्ड या इक्लिप्स। अगर मान लो कोई भी स्ट्रक्चर लिखा है, एक इक्लिप्स दिखाई दे रहा है, एक स्टेगर्ड दिखाई दे रहा है, कौन ज्यादा स्टेबल, अरे स्टेगर्ड का एंगल तो 60 डिग्री स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, कौन ज्यादा स्टेबल बोलो, स्टेगर्ड क्या होगा, स्टेगर्ड जो होगा इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं। लेकिन उस स्टेगर में भी उसका स्ट्रक्चर दो हो जाता है, और भाई देखो ना ये स्टेगर्ड है कि नहीं है, क्या इस स्टेगर्ड का नाम गॉज, क्या नाम है गॉज, क्या ये भी स्टेगर्ड है क्या, क्या इसका नाम क्या है एंटी। अगर स्टेगर्ड में भी दो हो जाता है, गॉज हो जाता है या तो एंटी हो जाता है, उस स्टेगर्ड में भी दो हो जाता है, एक का नाम होता है एंटी, तो एंटी गॉज से ज्यादा स्टेबल होता है, क्या आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। हाँ तो आपको देख लेना है, अगर दो स्टेगर्ड, दो कंपाउंड स्टेगर्ड का दिया हुआ है तो कौन गॉज है कौन एंटी है, क्या पहचान लेंगे ना भाई, क्या बल्कि बल्कि ग्रुप का बीच का एंगल 60 डिग्री तो क्या नाम होगा गॉज, बल्कि बल्कि ग्रुप का बीच का एंगल 180 डिग्री तो क्या नाम हो जाएगा स्टेगर्ड, नहीं एंटी, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, चलिए मजा आया कि नहीं आया, चलिए वो भी कर लीजिए। तो ये जो लिखा है भाई वो ब्यूटेन, यहां पर देखिए आपको देखिए, ये लिखा है ब्यूटेन और ये है डॉट कार्बन और ये है